नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है अर्थ एंड स्पेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी पृथ्वी रहस्यों और अजीबोगरीब चीज़ों से भरी पड़ी है। सुपर हीरोज़ के बारे में तो आप सब जानते होंगे। हम सब ने सुपर हीरोज़ की बहुत सी मूवीज़ देखी हैं, पर क्या सुपर हीरोज़ रियल लाइफ में भी होते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे इंसानों के बारे में बताएंगे जो आम लोगों से थोड़ा हटकर हैं। दुनिया में हर साल कई विश्व रिकॉर्ड बनते और टूटते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बना लेते हैं जिसके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते। ऐसा करके न केवल वे विश्व भर में नाम कमा लेते हैं, बल्कि अपने आप को सुपर ह्यूमन की श्रेणी में ला खड़ा करते हैं। तो आइए जानते हैं उन सुपर ह्यूमंस को। नंबर 1, द आइसमैन विम हॉफ, जिनको आइसमैन के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 20 अप्रैल 1959 को नीदरलैंड में हुआ था। विम हॉफ ने 20 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। विम हॉफ अपना ज़्यादातर समय बर्फ में ही बिताते हैं। उन्हें बचपन से ही बर्फ से बहुत लगाव है। उनकी बॉडी किसी आम इंसान से बहुत अलग है और यही बात उन्हें फेमस बनाती है। उन्होंने फरवरी 2009 में केवल 2 दिनों में सिर्फ शॉर्ट्स में किलिमंजारो पर्वत की चोटी पर पहुंचने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 90 मिनट तक पूरी तरह बर्फ से भरे कांच के बक्से में अपने आप को ढक कर रखने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। ऐसे अद्भुत विश्व रिकॉर्ड बनाने से वह पूरी दुनिया में द आइसमैन के नाम से मशहूर हो गए। उन्होंने साबित कर दिया कि मानव शरीर क्या क्या करने में सक्षम है। नंबर 2, मिस्टर ईट ऑल। माइकल लोटिटो नाम के व्यक्ति ने अपने खाने की क्षमता से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें खाई जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने टीवी, साइकिल, ग्लास, रबर, चेयर और प्लास्टिक की बहुत सी चीज़ों को खाया। उन्होंने हवाई जहाज को भी निगल लिया। जी हाँ, उन्होंने हवाई जहाज के छोटे छोटे पीस करके पूरे हवाई जहाज को भी खा लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो ऐसी चीज़ों को खा कैसे लेते थे। इस बात पर जब डॉक्टर्स ने रिसर्च की तो पाया कि उनके पेट और आंतरियों की परत बहुत मोटी थी और साथ ही वो इसे पचाने में भी सक्षम थे। नंबर 3, इसाओ माची। इसाओ माची दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं। इनके पास ऐसी स्ट्रेंथ है जो अब तक किसी और इंसान में नहीं देखी गई। इसाओ माची का जन्म 20 अगस्त 1973 को हुआ था। इसाओ एक जापानी लाइडो मास्टर हैं जो जापान के कामानिश सिटी से हैं। इसाओ ने कई गिनीज रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। इन्होंने 3 मिनट में 252 बैम्बू स्ट्रॉस को काट कर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। इसाओ डिस्कवरी चैनल के चहेते स्टारों में से एक हैं। आज के टाइम में वो अपने समुराय स्कूल के हेडमास्टर हैं। इसाओ से हमें सीखने को मिलता है कि अगर किसी काम को पूरी मेहनत से करते हैं तो नामुमकिन काम भी संभव हो जाता है। नंबर 4, द ह्यूमन कैलकुलेटर स्कॉट फ्लैंसबर्ग, जिन्हें मशीन भी कहा जाता है। इसका कारण ये नहीं कि वह बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, बल्कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका दिमाग मशीन से भी ज़्यादा तेज है। अगर हमें कोई कैलकुलेशन करनी हो तो हम सिंपली कैलकुलेटर पर फटाफट कर लेते हैं, पर स्कॉट एक ऐसे इंसान है जो बड़ी से बड़ी संख्या को कैलकुलेटर से भी जल्दी सॉल्व कर देते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने स्कॉट को ह्यूमन कैलकुलेटर का दर्जा दिया क्योंकि 2003 में उन्हें कैलकुलेटर से भी 15 सेकंड तेज पाया गया। मतलब स्कॉट ने कैलकुलेटर से भी 15 सेकंड पहले कैलकुलेशन कर दी थी। अपनी इसी क्षमता के कारण वो लोगों में बहुत पॉपुलर हैं। Three digit numbers, right. Okay? To add up. Right. So they are 471 plus 336 plus 230 plus 457 and one more. 509. 2003. Oh. See, even with five. नंबर 5, ज्योति राजू। ज्योति राजू दुनिया में मंकी किंग और स्पाइडरमैन के नाम से जाने जाते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग किसी न किसी ऊंचाई पर जाकर डरने लगते हैं, पर ज्योति राजू इस डर को बिल्कुल नए स्तर पर ले आए हैं। उनके काम ने भारत के सभी हिस्सों के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है क्योंकि वो बड़ी बड़ी इमारतों पर बिना किसी सहारे के चढ़ जाते हैं, जिसके बारे में एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। राजू ने 9 साल की उम्र से दीवारों और इमारतों पर चढ़ना शुरू कर दिया था। उसने अभी तक कई बड़ी बड़ी इमारतों और कर्नाटक के चित्रदुर्ग किले की चढ़ाई बिना किसी उपकरण के की है। चढ़ाई चढ़ने की इस अनोखी कला के कारण ही उसे मंकी किंग कहा जाता है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।